एनएच प्रबंधन और सड़क निर्माण एजेंसी ने फ्लाईओवर को खोलने की तैयारी 15 दिन पहले ही कर ली थी, लेकिन जिस तरह से सर्विस लेन को फ्लाईओवर से मर्ज किया जा रहा था उससे दुर्ग से रायपुर जाते समय ढलान लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन सकती थी, इससे लोग दुर्घटना का शिकार होते। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और एसपी जितेंद्र शुक्ला ने एनएच प्रबंधन और निर्माण एजेंसी की बैठक लेकर मंगलवार शाम 7:30 बजे आम जनता के लिए डबरापारा फ्लाईओवर को खोल दिया। अब भारी वाहन फ्लाईओवर से निकल जाएंगे, इससे अब डबरापारा तिराहे पर राहगीरों को जाम से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान मौके पर एनएच के ईईबी श्रीनिवास राव, एसडीओए के श्रीवास्तव, ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर, सब इंजीनियर जयंत वर्मा, टीम लीडर शैलेंद्र झा, भिलाई 3 ट्रैफिक टीआई और स्टाफ मौजूद रहे। फ्लाईओवर का काम पूरा कर लिया गया है। डबरापारा तिराहे की सड़क में जो तकनीकी खामी आई थी उसे दूर किया गया है। इंजीनियर से अब जाकर अप्रूव किया, तब आम जनता के लिए इसे खोला गया। रायपुर से दुर्ग आना जाना करने वाले लोगों को अब राहत मिलेगी। एनएच प्रबंधन के अधिकारियों ने बताया कि जनता की मांग को देखते हुए फ्लाईओवर को चालू कर दिया गया है। अभी ड्रेन और डिवाइडर का काम किया जा रहा है। फ्लाईओवर और सर्विस लेन से ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ड्रेन और डिवाइडर के काम को एक सप्ताह में पूरा कर लेने की बातें कही। NH 53 में 4 फ्लाईओवर का काम निर्माणाधीन था, जिसमें 2 फ्लाईओवर चालू हो चुका था, चंद्रा मोदिया सुपेना पावर हाउस। और आज डबरापारा का फ्लाईओवर जो 1295 मीटर का है और इसमें लगभग 40,000 गाड़ियां प्रतिदिन गुजरती है और इसमें 1,00,000 से अधिक लोग इसमें सवेरे से 24 घंटे में सफर करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके चालू होने से बहुत लोग को राहत मिलेगी जो अप डाउन करते हैं, दुर्ग से रायपुर, रायपुर से दुर्ग आते हैं। और एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पे इसके चालू होने से मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लोग जाम में फंसते थे जिसका और काफी समय लगता था और काफी चैलेंजिंग था इस फ्लाईओवर को बनाने में, क्योंकि जो डबरापारा ऐसा फ्लाईओवर है जहाँ पे रेलवे लाइन भी गुजरता है इसके नीचे से, और डबरापारा होने के कारण यहाँ पे पानी का रिसाव हमेशा बना रहता था, इसके लिए सर्विस लेन बनाने का काम बहुत चैलेंजिंग था जिसको पूरा किया गया। और इसको आज इसको सभी प्रकार के वाहनों के लिए आज इसको चालू कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से चालू होने से सभी प्रकार के लोगों को राहत मिलेगी, यातायात के जवानों को भी बहुत राहत मिल जाएगी। इसको दोनों तरफ से आज चालू किया जाएगा। आज PWD NH के अधिकारी लोग भी आए हुए हैं, जो ठेकेदार है उनके संबंधित उनके सभी स्टाफ भी है, और आज इसको चालू कर लिया जाएगा। इसमें जो जो कमियां थी, लाइट लगना था वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है, साइनेज बोर्ड थे वो भी कंप्लीट हो गया है, डिवाइडर बनना था वो भी हो गया, कैट साइड रोड मार्किंग सभी कंप्लीट हो चुका है और आज इसको चालू कर दिया जाएगा। और इसके चालू होने से निश्चित रूप से लोगों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। सर्विस लेन और एनएच की सड़क को 94 मीटर आगे बिजली ऑफिस गेट तक बढ़ाने के लिए कहा। इसी तरह रायपुर से दुर्ग की ओर सड़क को 72 मीटर बढ़ाया गया है। नेशनल हाईवे 53 पर डबरापारा में वर्ष 2019 से फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा था। 12 मार्च 2024 को इसे अघोषित रूप से आम जनता के लिए खोल दिया गया। ACN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।